बहुत मेहनत लगता है, कितना मेहनत लगता है, दिन में कितना कमाया होता है आपका? बहुत महंगा बाजार, 200-300 बहुत महंगा। सुबह हो गया हावड़ा। सुबह सुबह हावड़ा पहुंचा हूं मैं, स्टेशन से बाहर निकल रहा हूं मैं। अगर हावड़ा के बारे में बताऊं तो हावड़ा में सुबह 5 बजे इतना भीड़ है, दिन में कितना भीड़ हो सकता है अंदाजा लगा सकते हैं। हावड़ा भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल का एक शहर है। हावड़ा कलकत्ता शहर के सामने हुगली नदी के पश्चिम तट पर स्थित है। हावड़ा शहर का इतिहास 500 साल पुराना है, लेकिन यह जिला प्राचीन बंगाली राज्य भूषुत के कब्जे वाले क्षेत्र में स्थित है। तो दोस्तों, फिर हावड़ा से मैंने बस और फेरी से विक्टोरिया मेमोरियल की तरफ निकल पड़ा। क्या भीड़ है रे, इधर आज हम सुबह का 5 बजे इतना भीड़ है। अरे कहाँ के रूम, कैसे रूम? तो दोस्तों, इसी तरह मैं हावड़ा से विक्टोरिया मेमोरियल की तरफ निकल रहा हूं और बस में आप देख रहे हैं कितना गर्मी है और बहुत ज़्यादा गर्मी है और लोग रास्ते पे सो रहे हैं, बस भीड़ भाड़ है और हावड़ा के इस मार्केट के पास मतलब गंदगी भी है, इतना साफ नहीं है। और इसी तरह मैं हावड़ा ब्रिज की तरफ निकल रहा हूं। हावड़ा ब्रिज पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर बना कैंटिलीवर ब्रिज है। 1943 में कमीशन किए गए पुल को मूल रूप से न्यू हावड़ा ब्रिज का नाम दिया गया था, क्योंकि इसने हावड़ा और कलकत्ता शहरों को जोड़ने वाले उस स्थान पर एक पॉन्टून पुल को बदल दिया था। 14 जून 1965 को महान बंगाली कवि रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम बदलकर रविंद्र टैगोर कर दिया था, जो पहले भारतीय और एशिया नोबेल पुरस्कार विजेता थे। इसे आज भी हावड़ा ब्रिज के नाम पर ही जाना जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह मैं हावड़ा ब्रिज के ऊपर से जा रहा हूँ और आप लोग को नज़ारा दिखाते हुए, और बहुत ज़्यादा गर्मी है और भीड़ भाड़ भी है, तो मैं इसी तरह बस से विक्टोरिया मेमोरियल की तरफ निकल पड़ा हूँ। तो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय न्यू ब्लॉग। टुडे आई एम इन कोलकाता। तो कोलकाता के बारे में थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश करूँगा और मैं खुद भी एक्सपीरियंस करूँगा। तो दोस्तों, आप लोग मेरे साथ हो और आप लोग के बिना ये सफ़र अधूरा है। जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, मेरे साथ आप लोग हो, आपके बिना ये सफ़र अधूरा है। तो दोस्तों, तो चलिए फिर देखता हूँ कोलकाता का सीरीज या ये कोलकाता में क्या क्या मैं देख सकता हूँ, और मेरे साथ आप लोग पूरी सर देखते हैं फिर। तो दोस्तों, फाइनली मैं अभी आ गया हूँ ये विक्टोरिया मेमोरियल जो प्लेस है, वन ऑफ फेमस प्लेस, या ये मतलब कोलकाता के देखने लायक एक प्लेस है।
मेट्रो स्टेशन लगा हुआ है इधर। द बिरला प्लेनेटोरियम, बिरला प्लेनेटोरियम। पहले बहुत इधर आसपास आया हूँ बट विक्टोरिया मेमोरियल में पास से जाके नहीं देखा। उधर इधर घूमा हूँ बहुत जगह बट ध्यान से पास से जाके नहीं देखा। तो ऐसा कुछ नहीं था, मैं जैसे कि पूना से हावड़ा आया, हावड़ा से फिर मैं गुवाहाटी जाने वाला हूँ। ऐसे ही मैं घूम ही रहा हूँ तो शेयर कर ही रहा हूँ, तो इसीलिए आप लोगों को भी थोड़ा दिखाता हूँ। और तो दोस्तों कोलकाता में जितना हो सके मैं घूमने की कोशिश करूँगा और आप लोग के ब्लॉग के माध्यम से दिखाता हूँ मैं, ठीक है? तो कुछ नहीं है तो फाइनली आई मीन विक्टोरिया मेमोरियल, ये विक्टोरिया मेमोरियल के बिल्कुल पास आ गया हूँ अभी। ये नजर आ रहा है कैसे अंदर जाना है क्या है पता नहीं। तो टिकट लेना पड़ता है, टिकट 20 रुपीस। दोस्तों फाइनली मैं वहाँ से गेट सेंटर लेकर आ गया हूँ अंदर। और विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में अगर बताऊं तो ये मध्य कलकत्ता के मैदान में संगमरमर की एक बड़ी इमारत है जिसका प्रवेश द्वार क्वींसवे पर है। इसे 1906 और 1921 के बीच तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था। ये 1876 से 1901 तक भारत की साम्राज्य महारानी विक्टोरिया की स्मृति को समर्पित है। ये दुनिया में कहीं भी एक सम्राट का सबसे बड़ा स्मारक है। ये 64 एकड़ के बगीचों में खड़ा है और अब मंत्रालय के नियंत्रण में एक संग्रहालय है। ये विक्टोरिया मेमोरियल का नज़ारा इस तरह, फिर से आप लोगों को मैं पीछे की तरफ से मतलब उत्तर दिशा की तरफ से थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आप लोग देखने को मिला, देखो बिल्कुल पास में ही लेक है, ये एक तालाब है, तालाब है। और आजू बाजू का नज़ारा तो मतलब क्या बोलूँ, बहुत ही सही है। और लोग अर्ली इन द मॉर्निंग, ये अभी अर्ली नहीं रहा है, अभी मॉर्निंग ही, मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग ही बोल सकते हैं आप, क्योंकि अभी भी लोग बहुत ज़ोरदार से जॉगिंग वगैरह कर रहे हैं अभी। और पीछे का नज़ारा इस तरह, यहाँ से भी आप देख सकते हैं यार, सही में बहुत ही मतलब बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये इस तरह प्रिजर्व करके रखा है ना, मतलब साफ़ सुथरा और देखने लायक करके रखा है, मतलब बहुत सही है, अच्छा लगता है इस तरह का जगह देखने में, मतलब मन को सुकून मिल जाता है, खुश हो जाता है, साफ़ सुथरा। जो अंदर भी जाके देखते हैं, अभी शायद अभी अंदर जाने का प्रबंध हो गया होगा, मैं सुबह मतलब बहुत जल्द आ गया था ना, तो तब कोई नहीं था। उत्तर की दिशा से अब ऐसा दिखता है। और ये पीछे का बैक साइड का नज़ारा है, पता नहीं बैक साइड का या आगे का, पता नहीं, सब एक ही तो लग रहा है यार, सब एक ही लगता है। ये आगे का ही है या पीछे का है, पता नहीं कौन सा आगे कौन सा पीछे क्या है वो, आई डोंट नो। और यहाँ पे भी एक तालाब है, आगे तालाब है। और ये एक मतलब पार्क है, विक्टोरिया मेमोरियल एक पार्क है। इस पार्क में शायद मेंबर से वगैरह लेना पड़ता है यहाँ के मॉर्निंग वॉक सोनिंग वॉक के लिए। अभी फ़िलहाल हम लोग जैसे टूरिस्ट या एक बार के लिए जो लोग आते हैं उन लोगों के लिए शायद 20 रुपये का टिकट लगा कर रखा है, आप टिकट करके अंदर जा सकते हैं और देख सकते हैं। तो नो एंट्री ओनली एग्ज़िट, आई थिंक इस इज एग्ज़िट गेट, ओके एग्ज़िट प्लेस है। तो फिर मतलब मैं पीछे होके जाता हूँ तो फिर वहाँ से शायद एंट्री मिलेगा। और एक बात यार सही है, पार्क है नो डाउट बट ये प्लेस है ना बहुत सही तरीके से बनाया है।
सो ये पीछे का नज़ारा इस तरह फिर से यही वही है। और दोस्तों मुझे लगता है आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। विक्टोरियल मेमोरियल मैंने मेरे ब्लॉग के माध्यम से मैं थोड़ा बहुत मैं खुद भी देख रहा हूँ और आप लोगों को भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यू आर अंडर CCTV सर्विलेंस। सो कुछ चीज़ें मना है यहाँ पे, जो मना है उसको करना नहीं, जो मना है उसको फॉलो करना है, बिकॉज यहाँ पे CCTV से आपको सर्विलेंस कर रहा है। आप मतलब क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये चीज़ें हैं। तो जैसे कि मैंने गेट से मुझे बोला गया कि मैं जो मेरा GoPro का जो सेल्फी स्टिक था स्टैंड था उसको मना कर दिया कि स्टैंड से आप निकल नहीं पाओगे, मतलब निकल नहीं सकता। तो आप कैमरे तो ले पाओगे, कोई बात नहीं ले लो सुबह, तो एक्चुअली ये भी अलाउ नहीं है देखा जाए तो, बट ये सुबह सुबह आए तो ले सकते हो, बट स्टैंड से नहीं। इसकी वजह से मैंने हाथ से ले रहा हूँ अभी, क्योंकि जो मना है जो इंस्ट्रक्शन है और इंस्ट्रक्शन फॉलो करना सब सिटीजन का अपना बनता है। और इन चीज़ों में तो मतलब आपको क्लीन रखना है, कोई गंदगी नहीं फैलाना है, ये क्योंकि सबके लिए ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो अच्छा लग रहा है, इतना सही सुंदर नज़ारा है, तो फिर इसको ख़राब करना मतलब अच्छा नहीं लगता। तो यही मेरा भी एक सबको गुजारिश है और कहना है, एक मैसेज है, मतलब कोई भी आए तो कोई कहीं पे भी आप जाओ तो रूल्स रेगुलेशन या इंस्ट्रक्शन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा और यहाँ पे भी है लेक, आई थिंक यहाँ पे सराउंडिंग में लेक तीन लेक है। उस तरफ भी राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, पीछे भी है विक्टोरिया मेमोरियल का जो भी था जैसा था। ये फोरग्राउंड उस तरह फोरग्राउंड तो बहुत सही है, लेकिन हाँ अभी धूप निकल के आ गई यार, अभी तो मतलब इधर रुकना नामुमकिन है, बहुत ही गर्मी हो रहा है। मैं जब आया था ना बहुत सही तरह से मैं बैग लेकर घुमाऊं, कितने 10 बजे, उससे पहले नहीं। तो दोस्तों नज़ारा तो बहुत खूबसूरत है, नेक्स्ट लेवल का ये नज़ारा देखने को मिला है मुझे। और अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग वॉक करते करते इस तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है, बहुत सही। और बैकग्राउंड में विक्टोरिया मेमोरियल और यह पास में बिल्कुल एक तालाब है, मतलब एक लेक जैसा है, आगे बाजू तक ग्रोइंग एरिया है, ग्रोइंग और ये जो मतलब क्या बोलूँ मॉनिटर कर रहे हैं लोग, और एक सुकून सा एक ये नज़ारा, जो सुकून सा एक एनवायरनमेंट है, इसका मतलब वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। बहुत सही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है अल्टीमेट।